हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। बच्चों बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वीडियो। इसमें हम करेंगे, जो हमने अभी बुनियाद का एग्ज़ाम दिया है ना, जो अभी हुआ है बुनियाद का पेपर एग्ज़ाम, तो उसको सॉल्व करेंगे बच्चों। ये पेपर हुआ है लेवल 2 है 2022, ये 23 और 25 में जो हुआ है, ठीक है। तो इस ये हुआ है 22 फरवरी 2023 को, ये लेवल 2 है। जिन्होंने लेवल 1 पास कर लिया था उसके बाद लेवल 2 का एग्ज़ाम हुआ, उसका ई जो हमारे पास सेट है उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो बाकी क्वेश्चन भी सभी सेम होते हैं, सभी सेटों में क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, इसलिए आप क्वेश्चन पढ़िए और उसका आंसर खुद ढूंढने की कोशिश करेंगे दूसरे कोड वाले बच्चे, ठीक है। तो चलिए शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम पहले क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि यदि m इज ए स्क्वेयर नंबर, यानी m कोई वर्ग संख्या है, वर्ग संख्याएं होती हैं जैसे 4 है, 9 है, तो 9 के बाद अगली कौन सी संख्या आएगी, 16 होती है, और 16 के बाद अगली संख्या होती है 25 बच्चों, ठीक है। तो इसी तरह ये कह रहा है कि अगर कोई m वर्ग संख्या है, यानी m वर्ग संख्या है कोई, तो उससे अगली कौन सी होगी। जैसे m अगर 4 है तो अगली नेक्स्ट 9 कैसे बनेगी, तो वो बनेगी बच्चों b फार्मूले से, ठीक है। यहाँ पे अगर हम m को 4 रख देते हैं तो अगली बन जाती है 2 गुना 2 जमा 1, यानी ये बन जाएगी 4 जमा 5। 4 जमा 5 क्या हो जाती है, 9 हो जाती है बच्चों। तो इस फार्मूले से ये आंसर आएगा, तो आपने आंसर बी लगाना था इसमें, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कह रहा है ये, कि ये हमारे पास एक डायग्राम है के एल एम और एन, एक समांतर चतुर्भुज बनाई है, पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट की है। तो इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमने क्या किया है बच्चों, देखो इसने कहा है कि ये कोण बताना है इसका, कितने डिग्री का कोण है। तो ये देखो बच्चों, ये पूरा कोण जो है 90 डिग्री का कोण है, और जब इसको बनाया गया है ना, तो 90 डिग्री का ये हाफ किया गया है, तो 90 डिग्री का हाफ के कारण ये जो है 45 डिग्री का एंगल आएगा बच्चों। तो इसका आंसर 45 डिग्री या 45 डिग्री आंसर है इस बच्चों इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर ठीक है, ये 45 डिग्री आपने देख लिया है, आंसर आ गया है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, तो ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों देखिए कि इसमें ये क्या कह रहा है कि एक ABCD समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज होती है जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर भी होती हैं और बराबर भी होती हैं बच्चों। तो ये जैसे ए है, बी है और सी है और डी है, तो ये समांतर चतुर्भुज है। इसमें ये कह रहा है कि अनुपात बताइए AD और BC का। अब ये देखिए, ये तो है AD, ठीक है, और ये है BC। अब हमें पता है समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर भी होती हैं, तो इनका अनुपात जो है, हमें ये क्वेश्चन देखने की ज़रूरत ही नहीं है बच्चों, तो इनका अनुपात होगा 1:1, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। जैसे 4 और 4 का अनुपात जो है, 4:4 का अनुपात होता है 1:1, तो उसी प्रकार से ये दोनों बराबर थी, तो इसका आंसर ए आ जाएगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कह रहा है ये, क्वेश्चन नंबर 4 में है कि एक कैंप में 80 लोग रह रहे हैं और 70 दिनों का खाना है उनके पास, और 10 दिनों के बाद कितने रहने वाले चले जाएं कि शेष खाना 80 दिन चल जाए, ठीक है। तो अगर 80 के 80 बंदे रहें तो वो खाना 70 दिन चलेगा बच्चों, ठीक है। अगर और 10 दिन के बाद
10 दिन चले गए, जैसे 10 दिन गुजर गए, तो 10 दिन के बाद 80 बंदे तो वही हैं, तो वो 10 दिन के बाद ये खाना 60 दिन चलेगा, क्योंकि 10 दिन तो उन्होंने खा लिया है। ठीक है, तो इसमें देखिए बच्चों कि जो है 80 बंदों का खाना जो है अब 60 दिन का रह गया है। ठीक है, 60 डे का। और अगर एक बंदा उसी राशन को खाए एक, ठीक है, यानी एक दिन में अगर वो राशन हमने निपटाना है सारा एक दिन में, तो हमें 80 गुना 60 बंदे चाहिए, तो वो एक दिन चलेगा। और अगर वो चले हमने चलाना है वो 60 दिन, तो उसको 60 दिन से ये 80 दिन चलाना है, तो 80 से हमें उसको भाग देना पड़ेगा, तो ये 80 है नीचे बच्चों, 80 से 80 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 60 दिन, यानी 60 बंदों का भोजन जो है वो आगे 80 दिन चलेगा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 80 में से कितने बंदे जाएं कि 60 रह जाएं, तो 80 में से अगर 20 बंदे चले जाएंगे ना तो 60 रहेंगे और वो 80 दिन चलेगा, तो आंसर सी आ जाएगा बच्चों, इसमें 20 बंदे उसमें से कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या किया, यहाँ 60 है और नीचे 80 है, तो 80 ये हमने निकाला है कि 80 दिन कब चलेगा, जब वहाँ 60 बंदे होंगे, और 60 बंदे कब होंगे, जब 80 में से 20 बंदे चले जाएंगे, तो यही इसने पूछा था, 20 आंसर इसका है सी पार्ट। ठीक है, फिर उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है बच्चों, पांचवें क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 आदमियों का एक परिवार है, कितने आदमियों का है, 10 आदमियों का एक परिवार है, और 15 दिन के लिए राशन उन्होंने खरीद के रखा हुआ है। ठीक है, तो पहले दिन ही, यानी जिस दिन वो राशन लेके आए ना, 15 दिन का राशन लेके आए थे अभी, तभी देखा भी 5 मेहमान आ गए घर में, और तो अब परिवार में कितने सदस्य हो गए, 10 तो वो पहले से, 5 और आ गए, तो 10 जमा 5 कितने हो गए बच्चों, अब 25 आदमी उसी राशन को खाएंगे, जो पहले 10 आदमी खाने खाते थे ना 15 दिन के लिए खाते थे, लेकिन अब कितने आदमी खाएंगे उसको, 15 आदमी खाएंगे। ठीक है, कितने आदमी, 15 आदमी खाएंगे, तो 15 दिन, 15 आदमियों का हमने खाना देखना है कि कितने दिन चलेगा वो, तो ये देखिए 10 व्यक्ति तो उसको करते हैं 15 दिन में ख़त्म, और अगर एक व्यक्ति खाए ना उसको, तो 15 गुणा 10 यानी वो 150 दिन चलेगा एक आदमी के लिए, और लेकिन 5 आदमी और आगे इसमें, यानी 10 जमा 5 ये आगे 15, तो 15 आदमियों के लिए भोजन वो 15 से भाग देना पड़ेगा, तो 15 से 15 कट जाएगा, तो 10 जो है 10 दिन वो भोजन चलेगा अब, क्योंकि 5 मेहमान और आ गए, तो पांचवे का आंसर क्या आ गया बच्चों, सी आ गया, 10 दिन। ठीक है, फिर अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, आगे पीछे आए क्वेश्चन थोड़े, तो आगे है बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कह रहा है कि चतुर्भुज के 4 कोण हैं इस अनुपात में हैं 3 4 5 6, तो सबसे बड़ा कोण कितने डिग्री का होगा, तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें जो हमें 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है और 6 दिया है, इनको सबको जोड़ना है, तो जोड़ के कितना आएगा बच्चों, इनका 18 जोड़ आ जाएगा। ठीक है, तो 18 जोड़ आ जाएगा, तो अब चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल होता है बच्चों 360, कितना होता है 360, हम से हम 18 को भाग देंगे। ठीक है, और गुणा इसमें क्या करेंगे बच्चों, तो हमने क्या करना है, इनके जो जोड़ है 18 आया ना, जो 18 से हमने 360 को भाग देना है बच्चों, तो 18 दूनी आ जाएगा 36, यानी 20 आ जाएगा भाग दे के, तो इस 20 को हमने जो सबसे बड़ा अनुपात, सबसे बड़ा कौन कह रहा है ना ये, तो सबसे बड़ा अनुपात इसमें 6 है, तो 6 को इससे गुणा कर देंगे, तो 20 छिका है 120, तो 120 डिग्री का कोण आएगा सबसे बड़ा कोण बच्चों,
ठीक है, तो 120 डिग्री इसका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए बच्चे ये क्या कह रहा है कि कोई हमारे पास आयत है, क्या है आयत, आयत की लंबाई दे रखी है एल और चौड़ाई दे रखी है बी, यानी लेंथ और ब्रेथ दे रखी है। तो इसमें हमने बड़ी से बड़ी चतुर्भुज बनानी है, उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो बड़ी से बड़ी त्रिभुज हम ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे ये एक त्रिभुज बन गई है तो इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो बड़ी से बड़ी त्रिभुज हम उतनी ही बना सकते हैं जिसका एरिया जो है इस पूरे आयत के एरिया से, क्षेत्रफल से आधा होगा। ठीक है, तो आधा जो है ये आ जाएगा डी एल गुना बी बटे दो, तो ये डी आंसर आएगा बच्चे इसका। ठीक है, एल गुना बी बटे दो आ जाएगा आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि हमारे पास ये दिया गया है, ठीक है, तो हमने इसका मान निकालना है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, एक्स जमा 1/x का होल स्क्वेयर करेंगे और बराबर इस 4 का भी होल स्क्वेयर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वेयर जमा 1/x स्क्वेयर, जब इसका होल स्क्वेयर खोलेंगे ना तो ए स्क्वेयर जमा बी स्क्वेयर जमा 2 गुना ए एक्स गुना 1/x बराबर ये इसका स्क्वेयर आ जाएगा 16। ठीक है, तो ये एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, 2 16 में से कम हो जाएगा, तो 16 में से 2 कम होके 14 आपका आंसर बी आएगा बच्चों। 8वें का आंसर क्या आएगा, बी आ जाएगा बच्चों, क्योंकि 16 में से ये 2 घटेगा तो इसका मान आ जाएगा आपके पास। ठीक है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कह रहा है ये कि हमारे पास ये एक आयत दिया गया है जिसकी लंबाई 21 है, चौड़ाई 14 है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बच्चों, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 21 गुना 14। ठीक है, 21 गुना 14 इसका टोटल क्षेत्रफल हो जाएगा, और इसमें ये 1 2 3 4 5 6 समान वृत्त काटे हैं बच्चों। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों, तो एक वृत्त की त्रिज्या निकालनी है पहले। तो इसकी त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या बच्चों देखो ये सारी दी गई है 14, कितनी दी गई है 14 दी गई है बच्चों। तो एक वृत्त की आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी 7, क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी बच्चों। अब 7 जो है इसका व्यास है एक, ये वृत्त का व्यास कितना आएगा 7 आ गया, लेकिन हमने त्रिज्या निकालनी है तो 7/2 त्रिज्या आएगी इसकी। ठीक है, तो 7/2 इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 6 वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा, 6 गुना 22/7 गुना 7/2 गुना 7/2। ठीक है, तो ये 6 के 6 वृत्तों का क्षेत्रफल है, पाई आर स्क्वायर फार्मूला होता है इसका बच्चों। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 इस पे 3 चला जाएगा, 2 इस पे 11 चला जाएगा बच्चों। ठीक है, तो अब ये आ जाएगा 11 11 गुना, ये देखो 7 गुना 3 21 गुना 11, तो यहाँ इसका जो वृत्तों का क्षेत्रफल है ना बच्चों, तो वो आ जाएगा 21 गुना 11। ठीक है, तो हमने इनका डिफरेंस निकालना है बच्चों। तो 21 दोनों में कॉमन ले लो चाहे, या इनको दोनों को गुणा करो आपस में और उसको घटा लो तब भी आपका आंसर वही आएगा, या इसको ऐसे कर लेते हैं 21 गुना 14 में से 11 को घटा लो 3, तो ये 63 आ जाएगा बच्चों, कितना आएगा 63 63। तो आपके पास ऑप्शन जो सी है 63 वो आंसर है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन सी में आ जाएगा 63। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। तो सी ऑप्शन जो है ना इसमें, ये आंसर है 63 63 सेंटीमीटर स्क्वेयर। फिर अगला क्वेश्चन है आपके पास बच्चों, आगे है क्वेश्चन नंबर आपके पास 10वां क्वेश्चन है बच्चों। ये कह रहा है कि अमित की मासिक आय जो है रौनक की से 30% अधिक है, और रौनक की मासिक आय दीपक की मासिक आय से 20% कम है बच्चों।
तो हम क्या करेंगे बच्चों, जो दीपक की आय है ना, किसकी आय है, दीपक की आय, तो हम इसमें क्या करेंगे बच्चों, दीपक की आय को हम 100 मान लेते हैं, यानी दीपक की आय कितनी होगी, 100 रुपये मान लेते हैं, और रौनक की आय हो जाएगी दीपक से 20% कम, यानी इसमें से 20 कम आ जाएगी रौनक की, आर रौनक लिख रखा हूँ मैं, तो 20% कम यानी 100 में से 20 गए, 80 रुपये जो है रौनक की आय है, और अमित की मासिक आय जो है रौनक से 30% ज़्यादा है बच्चों, तो रौनक की 80% है, तो 80 का 30% जो है बच्चों, तो ये आ जाएगी आपके पास 24 रुपये और ऐड हो जाएंगे, तो अमित की आ जाएगी 104 रुपये बच्चों। तो अब ये देखिए, दीपक की आय तो है 100 रुपये, रौनक की है 80 और अमित की 104 रुपये है बच्चों। तो ये कह रहा है कि यदि अमित और दीपक की मासिक आय का अंतर 800 रुपये है, तो रौनक की मासिक आय बताइए आप, तो रौनक की मासिक आय बतानी है बच्चों कितनी होगी। तो ये देखिए बच्चों कि अब ये यहाँ देखो, दीपक की और अमित की मासिक आय का अंतर कितना है, 100 और 104 का अंतर 4 होता है बच्चों। तो इसमें देखिए बच्चों, यदि अंतर 4 है तो रौनक की मासिक आय है 80, और यदि अंतर 1 है तो 80/4, और यदि 800 है तो गुणा 800 हो जाएगी बच्चों इसके, ठीक है, तो ये कट जाएगी 4 दूनी, यानी 200 पे कट जाएगा, ये क्या आ जाएगी, 4 दूनी 8 होते हैं, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, 200 आ जाएगा, तो 200 को 80 को से गुणा करना है, तो ये 16,000 रुपये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा, 16,000, क्योंकि 200 गुणा 80 तो 16,000 बनता है ये बच्चों, तो 10वें का बी आंसर है 16,000। फिर उसके बाद है आपके पास 11वां प्रश्न बच्चों, तो 11वें प्रश्न में बच्चों देखिए क्या कहता है ये, कि अगर पृथ्वी के वातावरण से 15 दिनों में इतने किलोग्राम धूल उठती है, 1.2 × 10^8 किलोग्राम धूल उठ जाती है 15 दिनों में, तो 4.8 × 10^8 किलोग्राम धूल कितने दिनों में उठेगी, तो आप देखिए 12 है और ये 48 है, तो 12 के पहाड़े में 48 कहाँ पे आता है, 12 चौके 48 होते हैं बच्चों, कितने होते हैं, 12 चौके 12 तीय 36, 12 चौके 48 होते हैं 4, यानी 4 आ गया, 48 को 12 से भाग दे के 4 आ जाता है, इसको 15 से गुणा करना है हमने बच्चों, तो 15 × 4 जो होते हैं 60 आ जाएगा, तो यहाँ पे 60 दिन आएगा बच्चों, तो 60 दिनों में पर्यावरण से इतनी धूल उठ जाएगी, ठीक है, क्योंकि 4 गुना हो रही थी, तो दिनों का भी हमने 4 गुना ही करना है, 15 × 4 = 60, ठीक है बच्चों। अगला 12वां प्रश्न है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 12वां देख लेते हैं, तो 12वें में क्या है, फैक्टराइजेशन करनी है बच्चों, तो फैक्टराइजेशन क्या होगी इसकी, तो इसकी फैक्टराइजेशन बच्चों क्या होंगे, पहले तो ये x-3y कॉमन आ जाएगा, x-3y कॉमन आ गया, ठीक है, फिर 15xy है हमारे पास और एक है -3y, तो इन दोनों में से ना माइनस ये 3y कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 15 में से 3 कॉमन आ जाता है और y भी कॉमन आ जाएगा, तो 3y आगे आ जाएगा कॉमन, तो फिर अंदर और रह जाएगा, यहाँ 5 रह जाएगा, यहाँ x रह जाएगा, तो ये आ जाएगी 5x माइनस यहाँ पे 1 बचेगा बच्चों, तो ये आंसर आया है आपका, और ये आंसर है आपका बी पार्ट में बच्चों, ठीक है, तो 12वें का बी पार्ट आपका आंसर होगा बच्चों, ठीक है बच्चों। अगर भी बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना यदि आप इस चैनल पे नए हैं बच्चों, क्योंकि ये आपके लिए बहुत मेहनत की जा रही है बच्चों, ठीक है,
अब एक समांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं का अनुपात है 4:5 बच्चों, तो उसका परिमाप कह रहा है ये 90 सेंटीमीटर है, तो उसकी भुजाएं कितनी होंगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, हम देखते हैं कि सभी का जो परिमाप है ना, भुजाएं हैं, भुजाएं होती हैं, जैसे जैसे हम इसको मान लेते हैं, चलो इसको सपोज कर लेते हैं कि इसको ट्राई करके देख लेते हैं कि ये फिट बैठता है या नहीं। तो हम क्या करें, इसका परिमाप निकालते हैं। पहले तो 20 जमा 20, ठीक है, जमा 25 और जमा 25, तो कितना आ गया ये 25 और 25, 50 और 40, 90, यानी ये परिमाप तो सही आ गया बच्चों। अब 20 और 25 का अनुपात कितना होता है बच्चों, 5 चौके 20 रहते हैं, 5 पंजे 25 रहते हैं, तो 4:5, ये सही है, तो आंसर आपका 20 सही है बच्चों। तो इस तरह